चैनल हाय इंडिया, यू आर वाचिंग बिलीविंग थेरेपी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। जब भी हमारी कोई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे जॉइंट्स, बोन्स या हमारी मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट में कोई भी इंजरी या कोई भी पार्ट डैमेज होता है, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट कराते हैं ऑर्थोपेडिक्स से। या कोई भी एरिया पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो हम सर्जन के पास आएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग हो जाए या हमारी पैथोलॉजिकल तो कंडीशन हो तो हम सर्जन के पास जाते हैं। नॉर्मली पेन हो रहा है, एडिमा है, स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, तो हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं। हमारे जो न्यूरोवैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें कोई डैमेज हो जाए पार्ट, कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ पे, लोअर या अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे, तो हम उसमें स्टडी आज ऑर्थोपेडिक्स के में करेंगे। और हमारे जैसे कि हमने देखा है फ्रैक्चर्स क्या होता है। ये फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। मीन्स क्या हुआ, हमारी जो बोन होती है, हमारी लॉन्ग बोन सपोज हम करते हैं, ये हमारी लॉन्ग बोन हो गई, इसकी जो कंटिन्यूटी होती है उसमें कोई ब्रेक डाउन होता है। इस टाइप से कोई भी ब्रेक डाउन हो जाए हम फ्रैक्चर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं फ्रैक्चर का, ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बेस पे क्या हमें फ्रैक्चर, जैसे कि हमारे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हो गया, हमारा पैथोलॉजिक फ्रैक्चर हो गया, हमारा स्ट्रेच फ्रैक्चर हो गया। अब हमारे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर क्या होता है, किसी भी पार्ट पे कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कोई भी रोड ट्रैफिक केस हो जाता है, या फॉल हो जाए कहीं किसी भी एरिया पे गिर जाए, उसकी वजह से जो भी फ्रैक्चर होता है उसे हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में क्या होगा कि जो हमारी बोन्स होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से खास कम्युनिकेट करेगी या नहीं करेगी, वो एक्सीडेंट के उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर क्या होता है, जब भी कोई पैथोलॉजी हो या कोई भी प्रीवियस कोई डिजीज़ हो वो उसकी वजह से कोई भी फ्रैक्चर होता है। मीन्स जब हमें कोई पैथोलॉजी होगी बहुत टाइम से, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, हमारी बोन होती है वो वीक होने लगती है। बोन वीक होने की वजह से यदि एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी बॉडी पे पड़ेगा, जिस एरिया पे ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उस एरिया पे फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेच फ्रैक्चर। स्ट्रेच फ्रैक्चर क्या होता है, किसी भी एरिया पे जैसे कि कोई भी क्रॉनिक रिपीटेटिव इंजरी है, मीन्स कोई भी इंजरी है उसकी वजह पहले से ही कोई भी फ्रैक्चर पहले से हो रखा है, उसके कुछ टाइम बाद फिर से रिपीटेटिव इंजरी हो जाए और रिपीटेटिव वहाँ पे फिर से फ्रैक्चर हो जाने के चांसेस होते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेच फ्रैक्चर। स्ट्रेच फ्रैक्चर क्या होता है कि हम एक्सरे के थ्रू इसे एग्जामिन डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सरे में हमें नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पेन होगा, एडिमा होगा, आप जब एक्स्ट्रा कराओगे तो आपको कोई भी फ्रैक्चर नज़र नहीं आएगा, इसलिए हमें हमेशा MRI करानी चाहिए जब भी कोई स्ट्रेच फ्रैक्चर हो उसे एग्जामिन करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बेस पे कैसे फ्रैक्चर होता है, फर्स्ट है हमारा अनडिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर मीन्स कोई भी एरिया पे जिस पे फ्रैक्चर हुआ है वो अनडिस्प्लेसमेंट है, तो हम इजीली उसे एग्जामिन कर सकते हैं क्योंकि वो हमें प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा इस एरिया पे फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेस फ्रैक्चर। डिस्प्लेस फ्रैक्चर क्या होता है कि वो अपनी एरिया से ही डिस्प्लेस हो जाए, मीन जैसे कि हमारा ये हेड ऑफ ह्यूमरस बोन है, उसका हेड ऑफ ह्यूमरस है जो हमारी स्कैपुला की ह्यूमर कैपी से अटैच होता है। यदि अपना हेड ऑफ ह्यूमरस ह्यूमर कैपी से यहाँ से हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा ह्यूमर कैपी हमारी, ओके, ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमर, जब ये अपनी एरिया से हट जाएगा तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेस फ्रैक्चर। और ये कैसी कंडीशन में आती है, जब बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा या तो ग्रेविटी फोर्स बहुत ज़्यादा हो, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा पुलिंग करें, तभी तो ये अपनी एरिया से अपने हेड ऑफ मतलब कैपी से हटेगा, तो इसकी वजह से फोर्स की वजह से, मसल्स पुल की वजह से एंड गैप की वजह से। अब डिस्प्लेसमेंट
फ्रैक्चर जो हमारा है वो थ्री टाइप से अपने एरिया से डिस्प्लेस होता है। थ्री टाइप्स में कौन फर्स्ट हो गया हमारा सिफ्ट, सिफ्ट यानी कि अपनी जो एरिया है वहाँ से सिफ्ट होना। मीन्स हमारी ये बोन है, ये लॉन्ग बोन है, इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई तो ये अपने एरिया से थोड़ा सा सिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि ये हमारी बोन यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो हमारी बोन अपने एरिया से शिफ्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है एंगुलेशन। एंगुलेशन क्या होता है, अपने एरिया से थोड़ा सा मतलब राउंड राउंड घूम जाना। मीन्स जो हमारी बोन है, ये हमारी बोन है उसकी जो ब्रेक कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक डाउन होती है, यानी कि हमारी जो बोन है वो यहाँ से ऐसी एंगुलेट हो गई। ओके, थर्ड हमारा पॉइंट है रोटेशन। क्या है रोटेशन, रोटेशन समझ में आना, हमारी बोन है वो कपड़े एरिया से घूम गए। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या होता है कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कैसे करता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोज फ्रैक्चर एंड सेकंड है ओपन फ्रैक्चर, यानी कि जब भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी पे पड़ता है तो हम हमारे जो बॉडी फ्रैक्चर हुआ है वो एनवायरनमेंट से कैसे कम्युनिकेट। क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है, जब भी हमारे किसी बोन पे किसी भी एरिया पे एक्सटर्नल फोर्स पड़ा है तो हमारा जो बोन होती है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि फ्रैक्चर हुआ पर बोन हमारे अंदर ही फ्रैक्चर होके वही ब्रेक होती है तो वो एक रिलेशन बनाती है एनवायरनमेंट से। मीन्स कि जब भी हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस पड़ता है तो जो भी कंटिन्यू ब्रेक डाउन हुई है बोन की वो एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर निकलने लगती है, बोन हमारी ब्रेक होके बाहर निकल जाती है तो वो होती है हमारा इंटरनल फोर्स। इसे हम कंपाउंड फोर्स भी बोलते हैं। ये दो टाइप्स होता है, इंटरनली ओपन एक्सटर्नली ओपन, यानी कि जो हमारा ओपन फ्रैक्चर हुआ है वो दो टाइप से इंटरनली ओपन हो जाए, अंदर से बाहर की ओर निकल रही है बोन, और एक्सटर्नली ओपन मीन्स कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिससे फोर्स पड़ा है वो हमारा एक्सटर्नली बॉडी पे अप्लाई है। जो हमारा इंटरनली ओपन होगी वो हमारी बोन अंदर से हमारी स्किन को फाइशिस करके हमारी टिश्यू को फाइशिस करके बाहर निकलेगी, और जो हमारा एक्सटर्नली ओपन होता है जिसके ऑब्जेक्ट से किया है बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी स्किन के अंदर फाइश होकर हमारी बोन को देखते हैं। जब भी कोई हमारा ओपन एक्सटर्नल ओपन इंटरनली फ्रैक्चर होता है तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सपोजर होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें उसकी केयर करनी चाहिए, ट्रीटमेंट सही से लेना चाहिए। कोई भी इंटरनली ओपन बोन होता है तो ओपन फ्रैक्चर होता है तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। मीन्स हम जब ट्रीटमेंट की क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किस बेस पे हम उसे ट्रीट करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया सिंपल फ्रैक्चर, सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है कि जब भी हमारी जो बोन होती है, बोन जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो दो पीस में यदि ब्रेक डाउन होती है तो सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, यदि हमारी मैनी पीसेस हो जाते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे कि ये हमारी लॉन्ग बोन है, ये यदि ब्रेक डाउन हो गई टू पीसेस में तो उसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। यदि हमारी जो बोन है वो मैनी पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है, इधर से भी इधर से भी इधर से मैनी पीसेस में, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर जो सिंपल फ्रैक्चर होता है इसे ट्रीटमेंट करना, इसे डायग्नोस करना बहुत ही सिंपल होता है, आराम से इसे कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसलिए इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारा है ऑन द बेस
बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर मीन्स हमें इसे क्वांटम फ्रैक्चर फोर्स कितना फोर्स इस पर अप्लाई हुआ उसके बेस पे हम इसका फ्रैक्चर को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाई वेलोसिटी मीन्स क्या होता है कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिसमें जितना ज़्यादा फोर्स हमारी बॉडी पर पड़ा कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया कोई भी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो भी हमारे बॉडी पे फोर्स पड़ता है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रामा हो जाता है। सीवियर ट्रामा की वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है उसे ट्रीटमेंट करना ज़्यादा आसान नहीं होता है और जल्दी से रिकवरी भी नहीं होती है तो उसे हम हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बोन्स का ओपन फ्रैक्चर हो जाए इंटरनली एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर होता है तो हम उसे बोलते हैं हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर। एंड नेक्स्ट हमारा है लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। लो वेलोसिटी फ्रैक्चर क्या होता है जो कि एक्सीडेंट केसेस में या एक्सीडेंट केस नहीं मीन्स हम मान सकते हैं जब भी हम जॉगिंग करते हैं रनिंग करते हैं साइकिलिंग करते हैं उस टाइम कोई फ्रैक्चर होता है तो उसे हम लो वेलोसिटी फ्रैक्चर बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ही सीवियर नहीं होता है ये माइल्ड फ्रैक्चर होता है। माइल्ड फ्रैक्चर इसे नॉर्मली हम जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं डायग्नोज कर सकते हैं और रिकवरी भी कॉस्टली हो सकती है बट ये हाई वेलोसिटी इसका रिकवरी कॉस्ट नहीं होती है इसमें ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। पैटर्न के बेस पे हमें एक फ्रैक्चर को कैसे क्लासीफाई करना है कौन कौन से पैटर्न होते हैं देखते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर स्पाइरल फ्रैक्चर एंड कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर एंड सेगमेंटेड फ्रैक्चर। क्या होता है कि जो हमारे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है वो हमारे बोन्स की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है और जो हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है वो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है बोन्स की उसकी ऑब्लिक लाइन में होता है हमारे टैपिंग फोर्स या हमारे बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है उसकी वजह से होता है। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी को दोनों साइड से स्पाइरली फ्रैक्चर होता है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है ये हमारा फ्रैक्चर्स जो हमारी बोन्स होती है वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाती है मीन्स इसमें जो हमारा फोर्स पड़ता है वो एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है जिसकी वजह से हमारी बोन होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो हमें एग्जामिन करना और उसको ट्रीट करना बहुत टफ होता है और ये बहुत क्रिटिकल सीवियर कंडीशन हो जाती है बोन्स की जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सेगमेंटेड फ्रैक्चर। सेगमेंटेड फ्रैक्चर नाम से पता चल रहा है सेगमेंट में यानी कि जो हमारी बोन होती है वो एक या दो से अधिक कोई भी सेगमेंटेड में फ्रैक्चर्स हो जाए बोन के दो या दो से अधिक पार्ट्स हो जाए बोन के फ्रैक्चर की वजह से उसे हम बोलते हैं सेगमेंटेड फ्रैक्चर्स। जैसे कि हम आपको एक लंग बोन दिखाते हैं ये हमारी लॉन्ग बोन है इसमें कोई भी फ्रैक्चर होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कि हमारा यहाँ भी हो गया ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारी लाइन है उसकी परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर ये हमारा हो गया ऑब्लिक फ्रैक्चर हमारी बोन ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है हमारी जो बोन होती है वो स्पाइरली फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है पहले ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की तरह से होता है फ्रैक्चर फिर उसके बाद ही कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा देखते हैं सेगमेंटेड फ्रैक्चर। सेगमेंटेड फ्रैक्चर क्या होता है जो हमारी बोन होती है वो दो या दो से